मैं भी पढ़ूंगा भाई। अच्छा ये बताओ, मैं भी दो शेर मनकबत के पढ़ दूं, कोई टेंशन? अबे हम ही को तो पढ़ने का हक है और लोग तो जबरदस्ती पढ़ते हैं जी। अबे सुनो कम से कम, हम ही लोगों को है जी जी। कुर्बान खुद को करके कुर्बान, खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। क्या कहना भाई, यकीनन अपनी जिंदगी में अगर इससे हट के शेर कभी सुना हो इस पैटर्न पे, तो राही बस्तवी की कलाई पकड़ लेना, और पहली बार अगर सुन रहे हो दोस्त तो दुआओं से नवाज देना। दो शेर पढ़ूंगा चैलेंज के साथ, मेरे जाने के बाद तन्हाई में घरों में सोचेंगे सोचेंगे जी जी। शेर सुनिए। कुर्बान खुद को करके कुर्बान, खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने, सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया। कुर्बान खुद को कर के मुसल्ला बचा लिया। क्या कहना राही साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर सुनिए। अरे बेटा शेर सुन लो, अब वो शेर सुनो जिसके लिए मैंने मतला कहा था, वो शेर सुन लो। शेर हम कहेंगे तुम क्या कहोगे? शेर मुझसे सुनो कि दीने नबी बचा लिया। ये तो शेर के बीच में शेर आते जा रहे हैं। दीने नबी बचा लिया इतना ही मत कहे, दीने नबी बचा लिया इतना ही मत कहे, कहिए 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 अली के लाल ने काबा बचा लिया। कुर्बान खुद को कर के मुसल्ला बचा लिया। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। मैंने आपसे वादा लिया था कि दो शेर में भी मनकबत को पढ़ दूं। अब उसको दो बार पढ़िए इधर से। ऐसे अगर कई मनकबत पढ़ दूं तो लोग मनकबत पढ़ना छोड़ देंगे। नहीं नहीं अब दो बार पढ़िए, हम ये नहीं कर सकते। रोजा नमाज रोजा, रोजा नमाज रोजा, नमाज दीन मोहम्मद की अजमत है। शेर रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अजमत है, तन्हा तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। कुर्बान खुद को कर के मुसल्ला बचा लिया। क्या कहना, बता दो बैठे कहां, वहीं जाके ले ले, या तो करीब आ जाओ ताकि बार बार चलना ना पड़े। अबे ये नाते रसूल का सदका है, नाते रसूल सुन के नजर पेश करना सरकार की सुन्नत है, सहाबे कराम की सुन्नत है। किस दुनिया में हो ये न समझना कि उन्होंने पढ़ा उन्होंने दिया। इस फलसफे को समझोगे ना तो कुर्ता भी उतार दोगे। नहीं नहीं बिल्कुल
क्या कहना, जिनकी समझ में आया उन्होंने दिया माशाल्लाह जी, और लोग कोशिश में। अच्छा चलिए जी राय, मैं आपका 2 मिनट वक्त और लूंगा, इसलिए कि जितना जितनी देर मुझे बोलने के लिए मेरे डॉक्टर ने इजाजत दी है लगभग उतना मैं बोल चुका। 15 से 20 मिनट उन्होंने बताया है, अभी ये सिलसिला 3-4 महीने तक चलेगा, जब दवाएं रुक जाएंगी तब फिर 1.5 घंटे 2 घंटे इंशाल्लाह बोलूँगा। मैं तो 2.5 घंटे कंटिन्यू नाते रसूल पढ़ता हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शेर सुनिए साहब, दिलों को दिल के पास जेब भी तो है जी, बिल्कुल बिल्कुल। दिलों को इश्क़ मोहम्मद से आशना रखना जी। शेर सुनना दो सके, शेर हुआ हो तो दुआओं से नवाजना, बड़ा जादार मोहल्ला है ये जी। दिलों को इश्क़ मोहम्मद से आशना रखना, दिलों को इश्क़ मोहम्मद से आशना रखना, फिर उसके बाद ही बख्शिश का आसरा रखना, फिर उसके बाद ही बख्शिश का आसरा रखना। अच्छा शेर है माशाल्लाह, फिर उसके बाद ही बख्शिश का आसरा रखना। शेर सुनिए कि जहां कहेंगे सभी इज़हबू इला गैरी, ये तो मिश्रा बाईपास निकल रहा होगा है ना, लेकिन निकलेगा यहां नहीं निकल रहा है, दाएं बाएं नहीं निकल रहा है। जहाँ कहेंगे सभी इज़हबू इला गैरी, जहाँ कहेंगे सभी इज़हबू इला गैरी, वहाँ हुजूर बचाएंगे हौसला रखना, वहाँ हुजूर बचाए गे हौसला रखना। जी जी जी, अरे बेटा ठीक है, तो वक्त पे लगाओ नारा ताकि जवाब भी आ। अच्छा अब मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि शेर को दिल्ली पार्लियामेंट की दीवार से टकरा दीजिए, तब तो समझूंगा कि राही बस्तवी ने जौनपुर में शेर पढ़ा। कि वही रहेगा चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला हो, चाहे कुरान पाक का मामला हो, चाहे हमारी इबादतगाह का मामला हो, राही बस्तवी का शेर आपकी जानिब से पहुंचना चाहिए। आप जाइए शेर सुन लो। वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना। अबे किसी के विधेयक पास करने से कहीं कानून बदल जाएगा क्या? इस्लाम का कानून इतना हल्का समझ लिया है क्या? जही साहब सुनिए भाई। जी जी मोहतरम। अरे ला, वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना, वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना, वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना, तुम अपने पास अदालत का फैसला रखो ना, तुम अपने पास अदालत का फैसला रखो ना, तुम अपने पास अदालत का फैसला रखो ना, तुम अपने पास अदालत का फैसला रखो ना। क्या कहना, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ो,
नहीं, 10 मिनट की ज्यादती भी कर लीजिए, धीरे धीरे वक्त बढ़ेगा। अरे बेटा पढ़ेंगे, नो टेंशन। शेर सुनिए, सुकून चाहो। जौनपुर वालों, हम लखनऊ की जबान और जौनपुर की जबान एक जैसी तस्वीर हम करते हैं, इसलिए जौनपुर वालों शेर की हिफाजत करना, इस जबान की हिफाजत करना। कि सुकून चाहो तो हर पल दुरूद पढ़ते रहो। क्या कहना? सुकून चाहो तो हर पल दुरूद पढ़ते रहो, इसी को कहते हैं हर मर्ज की दवा रखना, इसी को कहते हैं हर मर्ज की दवा रखना, इसी को कहते हैं हर मर्ज की दवा रखना। दिलों को इश्क मोहम्मद से आशना। क्या कहना, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। अभी आपको कौन जाने देगा, अभी आपको जाने कौन दे रहा है? पाशा भाई एक शेर कह के चले गए और एक शेर कह के चले गए और बाद कुछ दे गए। अरे यार, ये चीज पूरी दुनिया में है जो वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में, अलग अलग दुनिया, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग अंदाज में लोग देते लेते हैं, लेकिन काम इसी से होता है। इंडिया का एक आदमी जापान में गया तो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो उसने कहीं से सिग्नल थोड़ा सा क्रॉस कर दिया, तब तक पुलिस ने रोका और कहा कि आओ 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 आओ। तो ये डर गया कि ये क्या बोल रहा है, काफ़ी देर परेशान है। तब तक एक इंडियन आया, वो पहले से रहता था जापान में, उसने कहा क्या हुआ? कहा साहब क्रॉस कर दिया मैंने सिग्नल, तो पता नहीं क्या बोल रहा, तब तक बोला आऊँ आऊँ आऊँ। तो उसने कहा अभी 20 रुपया मांग रहा है। ये तो हर जगह चलता है। हमारे पाशा भाई ने कहा शेर पढ़ने के लिए, तो मैं उसे पढ़ देता हूँ। ठहरो। खाता हूँ मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा जी। एक फरमाइश है सैयदैन भाई लखनऊ से, इसको सुन रहे हैं, आए सबा तू जाके कहना सैयदैन भाई है। कहाँ सैयदैन भाई? ये सीधे लखनऊ से डायरेक्ट यहाँ से। अच्छा अच्छा, लाइव सुन रहे हैं जी जी। मैं पढ़ूंगा जी, पढ़ू ना। खाता हूँ मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा, खाता हूँ मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा, पैदा किया खुदा ने जिलाते हैं मुस्तफा, पैदा किया खुदा ने जिलाते हैं मुस्तफा। पाशा भाई ने इस शेर को सुनने के लिए ये मतलब कहा था पढ़ने के लिए कि कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, अरे कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, अरे जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नारा लग रहा है साहब कराम का,
और सरकार का। ये मामलात ये हैं कि रबीउल अव्वल का महीना और रजब तक। जी पढ़िए। हसनैन भाई सुन रहे हैं लखनऊ। सैयदैन भाई, सैयदैन भाई जी, सैयदैन भाई आप जहाँ भी हो, आप लखनऊ से सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं इधर से अपना काम करूँ, आप उधर से वो कैसे करेंगे? पाशा भाई शेर सुनिए जी। ऐसा बात तू जाके कहना जी। ये आपको मालूम है इस कलाम को मैंने जिस वक्त कहा है, 90 दिन नहीं क्रॉस हुए कि मैं मदीने पहुंच गया। फैज तो देखिए, मोहब्बत इसे कहते हैं, कशिश इसे कहते हैं जी। ऐसा बात तू जाके कहना, ये प्याम रोते रोते, ऐसा बात तू जाके कहना, ऐसा बात तू जाके कहना, ये प्याम रोते रोते। सुभान अल्लाह, क्या कह। एक और लाइए साहब, वो कहने का मतलब ये, ऐसा बात तू जाके कहना, ये प्याम रोते रोते, तेरे गम में मर न जाए, ये गुलाम रोते रोते, तेरे गम में मर न जा। इतना डरा के दीजिएगा आप। ताज भाई, ताज भाई ने तो ये डरा के दे दिया। जाएगा नहीं, तेरे गम में मर न जाए, ये गुलाम रोते रोते, ऐसा बात तू जाके कहना। शेर सुनिएगा जनाब, कोई हज को जा रहा है, कोई घर में रो रहा है, क्या कलाम है माशाल्लाह। कोई हज को जा रहा है, कोई घर में रो रहा है, कोई ले के जी रहा है, अरे तेरा नाम रोते रोते, कोई ले के जी रहा है, तेरा नाम रोते रोते, ऐसा बात तू जाके कहना। सैदन भाई की ख्वाहिश पर मैंने ये दो शेर पढ़ दिया। बेचारे लखनऊ में बैठ के सुन रहे हैं, उनकी मोहब्बतें, उनको बहुत बहुत सलाम मेरी जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। अरे साहब, ये सैयद मर जाऊं यार। मतलब जिएंगे ऐसे ही, ऐसे ही जिएंगे। छुक 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 छुक। अरे फैज भाई बैठो,
किसी की तबीयत खराब हो गई क्या? नहीं, मेरे पढ़ने में कई लोग बीमार होते हैं। अच्छा, छुक 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 रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नत की। छुक 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 रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नत की। दीन के दुश्मन देख रहे हैं दूर खड़े टुक टुक। छुक 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 रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नत की। अमाम ये टुक टुक समझते हैं आप? अरे टुक 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 माने टुकुर टुकुर, है ना? समझते हैं ना? लाचारगी के आलम में जो देखे उसी को टुकुर टुकुर कहते हैं। दीन के दुश्मन देख रहे हैं दूर खड़े टुक टुक। छुक 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 रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नत की। एक बंद पढ़ूंगा मियां, इससे ज्यादा मेरे पास अब वक्त भी नहीं है और ना आपका वक्त मैं लेना चाहता हूँ। चलेंगे गुलबर्गा की जानिब, हाजी मलंग भी जाना है। हाजी अली के रोजे से मखदूम माघमी आना है। पहुंच रहे हो कि नहीं? वहां गए हो कभी? तो बोलते क्यों नहीं? कोई टिकट लगता है क्या इसमें? ख्वाजा निजामुद्दीन से होकर साबिर पिया को जाएंगे। पानीपत करनाल पहुँच कर दुखड़ा वहीं सुनाएंगे। चूमेंगे रोजे की जाली दौड़ दौड़ झुक झुक। छुक 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 रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नत की। दीन के दुश्मन देख रहे हैं दूर खड़े टुक टुक। छुक 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 रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नत की। अहले सुन्नत की, अहले सुन्नत की। मोहतरम, मोहतरम हजरात, आप हजरात अभी वहां से तबर्रुक लेते हुए जाएं और दाहिनी तरफ और धीरे धीरे जाएं। ये खुज़ैमा भाई का मकान है, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि उनका रास्ता है। आप हजरात इस अंदाज में जाएं कि दाहिनी तरफ से कि मिठाई लेते हुए जाएं और धीरे धीरे जाएं। आपका ये खूबसूरत सब और फहद सिद्दीकी साहब ने जिस अंदाज में सजाया उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं यहीं से इस प्रोग्राम को मुलतवी करता हूँ। बाइजाजत इजाजत सदर, उन्होंने जाते जाते कह भी दिया था। नहीं तो उस पे नहीं चलना है ना, तो उसका नाम क्यों ले? हमारे बीच में हमारे दोस्त साथी मोहब्बत करने वाले मुस्तकीम भाई भी मौजूद और साथ में एक चैनल के और साथी मौजूद। मैं सबकी मौजूदगी का शुक्रिया अदा करता हूँ।